नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चेतना मंच पर। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपनी इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधि 7.4% की वृद्धि के साथ मजबूत रहने की उम्मीद है और निवेश वृद्धि भी 8.9% पर मजबूत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में भारत लगातार लचीलापन दिखा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बैंक की प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की विकास दर G20 देशों में दूसरी सबसे अधिक और उभरते बाजार अर्थव्यवस्था के औसत से लगभग दोगुनी है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 15.8% हो गई, जबकि वित्त वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में यह 13.3% थी। IDU को उम्मीद है कि उच्च वैश्विक ब्याज दरों, भू राजनीतिक तनाव और सुस्त वैश्विक मांग के कारण वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी और तीव्र होंगी। परिणाम स्वरूप इन संयुक्त कारकों की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक विकास भी मध्यम अवधि में धीमा होना तय है। भारत में विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक अगस्टे तानोकॉम ने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक माहौल अल्पावधि में चुनौतियां पैदा करता रहेगा। सार्वजनिक व्यय का दोहन करने, अधिक निजी निवेश लाने से भारत में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और इस प्रकार उच्च विकास हासिल करने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी। प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया है। गेहूं और चावल जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण जुलाई में सकल मुद्रास्फीति बढ़कर फिजिकल डिफिसिट जिसे कहते हैं 7.8% हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने और सरकारी उपायों से प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी अस्थायी रूप से खपत को बाधित कर सकती है, हम एक नरमी का अनुमान लगाते हैं। इसके बाद विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक ध्रुव शर्मा ने कहा, कुल मिलाकर स्थितियां निजी निवेश के लिए अनुकूल रहेंगी। वैश्विक मूल्य श्रृंखला का पुनर्संतुलन जारी रहने के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा भी बढ़ने की संभावना है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय समाकलन जारी रहेगा और केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 6.4% से घटकर 5.9% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 83% पर स्थिर होने की उम्मीद है। बाहरी मोर्चे पर चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.4% तक कम होने की उम्मीद है और इसे विदेशी निवेश प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा और बड़ी विदेशी भंडार द्वारा समर्थित किया जाएगा। यानी इस साल 6.1 से 5.9 तक GDP का अनुमान है भारत का। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद, कोविड और तमाम चीज़ें प्रभावित करने के बावजूद भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, यह हम सबके लिए खुशखबरी है। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव देखते हुए इस बीच में नजर आएंगे और तमाम जानकारों का भी यही कहना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।